बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं टिक्का बिरयानी, जिसके लिए मैंने ये सब चीज़ें यूज़ की हैं। एक चम्मच भर के अदरक लहसुन, एक चम्मच भर के टिक्का मसाला। ड्राई मसाले में ये है 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसा गरम मसाला, 1 चम्मच नमक, और 2 अनियन मैंने ब्राउन करके रख लिए है। 100 ग्राम दही है, और ये कुछ खड़े गर्म मसाले, धनिया पुदीना, और ये 300 ग्राम हमारा गोश है बासमती राइस, ये भी 300 ग्राम है। अब हम इसे पानी डाल के सोक करने देंगे 20 मिनट के लिए। चलिए बनाना, हम इसमें ऐड कर देंगे दही, ड्राई मसाले, प्याज, ब्राउन चिली, ऑल स्पाइस, अदरक लहसुन का पेस्ट, टिक्का मसाला, ऑयल ऐड कर देंगे हम इसमें 1 कप ऑयल, थोड़ा सा पानी, हम आधा ग्लास पानी ऐड कर देंगे। हम इस गोश्त को अच्छे से पकने देंगे, गलने देंगे हम। कोरमे में हम थोड़ा पानी ऐड कर देंगे, उसको ढक के रख देंगे पकने के लिए। अब हम बिरयानी की चावल बॉयल करने की तैयारी करते हैं। चिकन बहुत अच्छे से हमारा गल रहा है। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बिग क्वांटिटी में मैंने बिरयानी अपने चैनल पे बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। 300 ग्राम मैंने गोश्त लिया, 300 ग्राम मैंने चावल लिए, 2 लोगों के लिए परफेक्ट है ये इतनी बिरयानी। पानी मैंने 2 लीटर ले लिया है इसमें बॉईल करने के लिए। जब हम इसमें बॉईल आएगा तो हम चावल ऐड करेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे 2 चम्मच भर के, बड़ा चम्मच भर के हम इसमें ऐड करेंगे। हरा धनिया पुदीना, 2 हरी मिर्ची ले ली मैंने इसमें, कुछ खड़े गरम मसाले हैं, तेज़पत्ता है, दालचीनी है, जीरा, अच्छे से इसमें बॉईल आ जाए हम इसमें चावल ऐड करेंगे। एक चम्मच हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज ब्राउन किए थे। कोई भी चीज़ हमें वेस्ट नहीं करनी है। पानी में बॉयल आए तो हम इसमें चावल ऐड करेंगे अपने सूप के। पानी में बॉयल आ गया है, अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे जो हमने सूप करके रखे थे। अब हम इसको पकने देंगे। कोरमा बहुत अच्छे से हमारा भुन गया है, गोश्त भी हमारा बहुत अच्छे से ही गल गया है, देख सकते हैं आप। अब मैं आपको चावल दिखाती हूँ, चावल भी हमारे बहुत अच्छे से बॉईल हो गए हैं। 70% हमें इसे बॉईल करना है। अब हम इसका पानी निकाल देंगे और हम तेल लगाएंगे। गोश्त बहुत अच्छे से हो गया है, अब हम इसमें चावल को हम इसमें एक ही तेल लगाएंगे, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे इस तरह से। हम तली हुई प्याज ऐड करेंगे, पुदीने के पत्ते, हरा धनिया,
ये मैंने 2 चम्मच दूध लेके मैंने इसके अंदर येलो कलर ऐड किया है। आप चाहते इसमें केसर जो भी आपको अच्छा लगे आप ऐड कर दीजिए। हम इस तरह से इसे अब हम इसे दम पे रखेंगे। जब तक हमारी बिरयानी दम में आ रही है जब तक हम बूंदी का रायता तैयार कर लेते हैं। मैंने आधी कटोरी दही लेके मैंने इसमें मिंट वाली चटनी पुदीने की चटनी मैंने पीस कर उसमें ऐड कर दी। अब मैं इसमें आधी कटोरी ये बूंदी ऐड कर दूंगी। बिरयानी के साथ रायता कचूमर भी होना चाहिए ना। इसको हम थोड़ी देर रखेंगे, ये अच्छे से फूल जाएगी, बहुत अच्छा हमारा रायता तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमारे बिरयानी का लो खिले खिले चावल, एकदम खिले खिले अच्छे से चावल, एक एक चावल अलग है। चावल एकदम एक एक अलग है, बिरयानी का चावल खिला खिला। मेरी रेसिपी पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तैयार है हमारी टिक्का बिरयानी। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।